एवरीबॉडी hey कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान एंडर द स्काई गड्स तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा मैजिक दिखाऊंगा जो डिजिट्स के साथ है हमारी मैथ्स की डिजिट्स के साथ में मैं यूज़ करूँगा खाली नंबर्स को लेकर और कुछ नहीं करूँगा नंबर्स लूँगा उनके साथ में आपको मैजिक परफॉर्म करके दिखाऊंगा और ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए ही नहीं है बड़ों के लिए भी है तो स्टूडेंट्स इस मैजिक को आप अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हैं फैमिली मेम्बर्स को भी दिखा सकते हैं और अपने रिलेटिवस को भी दिखा सकते हैं और अगर आपका मन है कि आप उन्हें बताएं कि इस मैजिक के पीछे क्या क्या स्टेप्स यूज़ हुई हैं तो आप बता सकते हैं वरना तो आप दिखाइए और बहुत मज़ा आने वाला है पहले मैं इस मैजिक को परफॉर्म करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा उस मैजिक के पीछे क्या क्या स्टेप्स यूज़ करी हैं मैंने ठीक है स्टूडेंट्स तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे चलते हैं वीडियो की तरफ उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें मेरी वीडियोस को लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में चलते हैं वीडियो की तरफ ठीक है स्टूडेंट्स जैसे ये जंप कर रहा है आप भी ऐसे ही जंप करेंगे वीडियो को देखने के बाद तो चलिए देखते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कोई भी एक नंबर वो आपको बताए कंडीशन क्या है आप 22 से लेके और 99 के बीच में कोई सा भी नंबर बोल सकते हैं ठीक है स्टूडेंट्स तो मेरे पास अभी कोई मेरा दोस्त नहीं है तो ये मत समझना कि मैं पढ़ के आया हूँ या क्या है कोई सा भी सपोज घरे में एक नंबर सपोज घरे मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला ट्वेंटी सेवन बोला अब मैं आपको देखो कितनी जल्दी जल्दी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको क्या करना है मैं क्या करूँगा एक बॉक्स बनाऊंगा इस टाइप से पहले मैं कर रहा हूँ फिर आपको बताऊँगा इसमें ऐसे फोर कॉलम्स बनाने और ऐसे ही फोर रोज बना यहाँ तक मैंने बता दिया अब मैं अपने आप करूँगा फिर आपको एक चीज़ दिखाऊँगा मैं नंबर्स लिख लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से तो स्टूडेंट्स मैंने ये नंबर्स लिख लिए हैं अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या इस चीज़ के अंदर मैजिक है आप काउंट करिए यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करिए कैसे भी काउंट करिए जो नंबर आपने बोला था सपोज़ करिए मेरे फ्रेंड ने ये नंबर बोला था ट्वेंटी सेवन वही इनका ऐड करके आंसर आएगा चाहे रोज रो वाइज़ ऐड करिए चाहे कॉलम वाइज़ ऐड करिए आंसर ट्वेंटी सेवन ही आना है चाहे डायगनली ऐड करिए चाहे इनके डायगनल्स को ऐड करिए आंसर ट्वेंटी सेवन आना है मैंने कितनी जल्दी लिखा हर उसमें आंसर ट्वेंटी सेवन आना है देखिए सेवन प्लस वन एट एट प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस सेवन कितना आया ट्वेंटी सेवन इलेवन प्लस एट नाइनटीन नाइनटीन प्लस टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस सिक्स ट्वेंटी सेवन फाइव प्लस टेन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन एटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन फोर प्लस एट ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन एटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन ठीक है स्टूडेंट्स ट्वेंटी सेवन आ गया हर जगह ऐसे ऐड कर लेते हैं एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री प्लस फोर ट्वेंटी सेवन नाइन प्लस टेन नाइनटीन प्लस एट ट्वेंटी सेवन ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन प्लस सिक्स ट्वेंटी सेवन सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस नाइन एटीन एटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन डायगनल साइड कर लेते हैं सेवन प्लस एट फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन प्लस नाइन कितना आया ऐड करके ट्वेंटी सेवन ऐसे भी ऐड कर सकते हैं आप फोर प्लस टेन 14. फोटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस सेवन कितना आया ट्वेंटी सेवन देख रहे स्टूडेंट्स हर जगह जो आंसर मतलब जो डिजिट सपोज करिए मेरे फ्रेंड ने बोली थी ट्वेंटी सेवन वही डिजिट आ रही है ऐसे ऐड कर लीजिए आप फाइव प्लस एट कितना आया थर्टीन और ये थर्टीन प्लस फोर्टीन कितना आया ट्वेंटी सेवन तो स्टूडेंट्स जो नंबर बोला है वही नंबर हर जगह आ रहा है ऐड करके रो वाइज डायगनली कॉलम वाइज ट्वेंटी सेवन एक दूसरा नंबर ले सकते हैं आप सपोज करिए दूसरा नंबर ले लेता हूँ फिर मैं उसके बाद में आपको बताऊंगा क्या, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो रही हैं नंबर ट्वेंटी टू से लेके नाइन्टी नाइन के बीच में कोई सा भी नंबर ले सकता Suppose है सपोज़ करिए मैंने लिया मैं क्या लूंगा सपोज करिए मेरा फ्रेंड ले रहा है 25 फाइव तो मैं क्या कर रहा हूँ मैंने ये बॉक्स बनाया ये मैं बॉक्स बना लूँगा डाइगनो सॉरी कॉलम्स बना लिए मैंने ये रो बना है मैंने अब मैं अपनी मर्जी से नंबर लिख लेता हूँ सपोज यहाँ पे वन एट सिक्स फाइव और मैंने लिख लिया नाइन टेन इलेवन ट ये मैंने नंबर्स लिखे हैं मेरे फ्रेंड ने नंबर कौन सा दिया था स्टूडेंट्स थर्टी फाइव अब आप चेक कर लीजिए हर जगह थर्टी फाइव ही आना है फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस सेवन थर्टी फाइव फिफ्टीन प्लस इलेवन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस फाइव थर्टी वन थर्टी वन और फोर थर्टी फाइव ठीक है स्टूडेंट्स नाइन नाइनटीन नाइनटीन और सिक्स कितना होता है स्टूडेंट्स थर्टी फाइव नाइनटीन एंड सिक्सटीन थर्टी फाइव सॉरी नॉट सिक्सटीन थर्टी फाइव ट्वेल्व प्लस फोर्टीन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस थ्री ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन प्लस सिक्स थर्टी फाइव सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस सेवनटीन नाइन प्लस सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस नाइन थर्टी फाइव थर्टी फाइव आ गया हर जगह इलेवन प्लस एट नाइनटीन नाइनटीन प्लस फोर्टीन थर्टी थ्री प्लस टू थर्टी फाइव फाइव प्लस टेन फिफ्टीन प्लस एटीन फिफ्टीन प्लस थ्री एटीन एटीन प्लस सेवेंटीन थर्टी फाइव सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स प्लस नाइन थर्टी फाइव ठीक है स्टूडेंट्स ऐसे डाइगनल्स ऐड कर सकते हो आप फिफ्टीन प्लस एट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री प्लस सिक्स ट्वेंटी थ्री प्लस थ्री ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स प्लस नाइन कितना आ गया स्टूडेंट्स थर्टी फाइव ऐसे भी कर सकते हो आप 4 plus 10 14 14 plus 14 28 28 plus 7 35 तो स्टूडेंट्स कितनी इंटरेस्टिंग बात है चाहे रोज़ ऐड करो आप तब भी 35 आ रहा है कॉलम्स ऐड करो 35 आ रहा है हर कॉलम को ऐड करो चाहे डायगोनल ऐड करो 35 आ रहा है तो स्टूडेंट्स इस इसके पीछे का ये मैजिक है अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स क्या-क्या स्टेप्स मैंने यूज करी हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले कंडीशन क्या है सबसे पहले कंडीशन यही है कि नंबर 22 से 99 के बीच में होना चाहिए अब सबसे पहली जो स्टेप है आपको क्या काम करना है इस तरीके से कॉलम्स बनाने हैं एक बॉक्स के अंदर चार कॉलम और चार रो बनानी सबसे पहली स्टेप है ठीक है स्टूडेंट्स अब क्या करना है अब जैसे जैसे मैं नंबर बता रहा हूं वैसे वैसे ही आपको वो नंबर्स वहां पर लिखने ठीक है स्टूडेंट जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको वो नंबर्स वहां पर लिखने एज इट इज फाइव को यहां पर लिखना है उसके नीचे फोर फाइव प्लस फोर नाइन ठीक है स्टूडेंट्स वन यहां पर लिखना है उसके नीचे एट नाइन फाइव प्लस फोर नाइन नाइन बनाना है हर कॉलम में हमें नाइन बनाना ना है ऐसा करके वन और एट नाइन लेकिन डिजिट्स यही होनी चाहिए इनसे अलग आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखा था मैंने थ्री सिक्स नाइन हो गया और यहाँ पर सेवन और टू नाइन ये हमारी सेकेंड स्टेप होगी पहली स्टेप थी हमारी रोज और कॉलम्स बना दिए सेकेंड स्टेप में हमने ये नंबर्स लिख लिए ठीक है स्टूडेंट्स और जिनका सम कितना आ रहा है हमारा नाइन आ रहा है फाइव प्लस फोर नाइन वन प्लस एट नाइन थ्री और सिक्स नाइन सेवन और टू नाइन इन्हीं इन्हीं पोजीशंस पर आपको नंबर लिखना है ये फर्स्ट स्टेप हो गई सॉरी सेकेंड स्टेप फर्स्ट स्टेप थी हमारी रोज और कॉलम्स बना दिए सेकंड स्टेप में हमने ये लिए जिनका सम नाइन आ रहा है अब क्या करना है अब यहां पे आपको नाइन लिखना है ठीक है यहां पे नाइन आ गया नाइन के बाद में क्या आएगा टेन ठीक है स्टूडेंट्स मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ आपको पता चल जाएगा दूसरे कलर के पेन से जिससे कि आपको पता चल जाए कौन सी स्टेप में क्या करना अब यहाँ पे नाइन लिख दिया फिर यहाँ पे टेन ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेवन और यहाँ 12। ऐसे ही लिखना आपको नाइन टेन इलेवन लिख दिया स्टूडेंट्स अब बात आती है मैंने सपोज करो मैं पहले वाला ही देख लेता हूँ मैंने नंबर लिया था ट्वेंटी सेवन मतलब मेरे फ्रेंड ने ट्वेंटी सेवन नंबर दिया था सपोज करो तो आपको क्या करना है जितने भी आपके फ्रेंड नंबर दें सपोज करो फोर्टी फाइव है थर्टी फाइव है सब में से आपको माइनस करना है कितना ट्वेंटी ये ट्वेंटी ऑफिशियल वैल्यू है यही माइनस करोगे आप इससे अलग कुछ नहीं करोगे कितना आया सेवन सपोज करो मैंने दूसरे उसमें लिया था थर्टी फाइव कितना माइनस करूंगा ट्वेंटी तो कितना आया फिफ्टीन सपोज करो आपका फ्रेंड फोर्टी फाइव दे रहा है कितना माइनस करोगे ट्वेंटी कितना आएगा ट्वेंटी फाइव तो ये ट्वेंटी ही आपको माइनस करना है तो हम इसे लेके चलते हैं सपोज करो ट्वेंटी सेवन को मैंने माइनस करा ट्वेंटी कितना आया सेवन क्या काम करना है जो आया आपका उसे यहाँ पे लिख दो सेवन ठीक है स्टूडेंट्स अब एक बढ़ा के यहाँ पे लिख दो जो बॉक्स बच रहा है एट अब इसमें एक बढ़ा के यहाँ पे लिख दो कितना आया नाइन अब जो है ये जो बॉक्स बचेगा ये वाला ये वाला मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ये वाला इसमें जितना आपका आंसर आया था उससे एक कम लिखना है कितना सिक्स ठीक है स्टूडेंट्स ये ट्रिक है आप कर सकते हैं ट्वेंटी सेवन ही आएगा सेवन प्लस एट सेवन प्लस वन एट एट प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस सेवन ट्वेंटी सेवन हर जगह ट्वेंटी सेवन ही आएगा इलेवन प्लस एट नाइनटीन प्लस सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस टू ट्वेंटी सेवन फिफ्टीन एटीन कितना आ गया ट्वेंटी सेवन ट्वेल्व एटीन और नाइन ट्वेंटी सेवन तो स्टूडेंट्स ये ट्रिक है मैं दोबारा बता देता हूँ आपको सबसे पहले चार कॉलम और चार रोज बनानी है फोर कॉलम एंड फोर रोज सबसे पहली स्टेप उनमें नंबर्स लिखने हैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे लिखने हैं अभी मैं आपको सीक्वेंस में बता देता हूं लेकिन आप घुमा फिराने के लिए जब आप किसी को दिखाएंगे तो अपनी मर्जी से जब आपको पूरी स्टेप्स याद हो जाएंगी तो आप अपने हिसाब से नंबर लिख देना जैसे पहले फाइव लिख दिया फिर यहाँ पे एट लिख दिया वन टू नाइन थ्री इस टाइप से लेकिन मैं आपको अभी में बता रहा हूं जैसे जैसे steps लिखनी जैसे जैसे डिजिट्स लिखनी है और इसी पोजिशन में लिखनी है फाइव फोर वन एट सम कितना होना चाहिए नाइन होना चाहिए फाइव प्लस फोर नाइन वन प्लस एट नाइन अब यहाँ पे कितना था थ्री और ये सिक्स थ्री प्लस सिक्स नाइन और यहाँ पे कितना था सेवन और टू नाइन फिर मैंने क्या बताया था फिर मैंने बताया था यहाँ पे नाइन यहाँ पे टेन यहाँ पे इलेवन और यहाँ पे ट्वेल्व अब एक नंबर में आपको लेके बताता हूँ सपोज करिए आप मेरे साथ आप मुझे मैजिक दिखा रहे हैं आपने मुझसे पूछा मैंने बोला आपको ट्वेंटी एट अब क्या करेंगे आप 28 में से कितना माइनस करेंगे 20 माइनस करेंगे तो कितना है 8 तो उस 8 को आप कहा लिखेंगे उस 8 को आप यहाँ पे लिखेंगे 8 फिर मैंने बताया यहाँ पर कितना एक ज्यादा करके लिखना है 8 प्लस वन नाइन और फिर इसमें एक ज्यादा करके 10 अब ये जो बचा ये वाला जो बॉक्स बचा इसमें कितना बताया था मैंने कितना लिखेंगे जो नंबर हमारा आया है उससे एक कम कितना सेवन तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सेवन और मैंने आपको कितना नंबर बोला था ट्वेंटी एट तो आपका सारी रोज़ सारे कॉलम्स सारे डाइगनल्स और भी चेक कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको पॉसिबल लगे जैसे मैंने आपको ये और ये बताया था हर जगह कितना आना चाहिए ट्वेंटी एट तो चेक करते हैं एट प्लस वन नाइन नाइन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी वन प्लस सेवन कितना आ गया ट्वेंटी एट इलेवन प्लस एट नाइनटीन प्लस सेवन कितना आया ट्वेंटी सिक्स प्लस टू ट्वेंटी एट 15 plus 3 18, 18 plus 10 28, 9 plus 4 13, 13 plus 6 19, 19 or और 9, 28. ऐसे चेक कर लेते हैं 19 प्लस 5 कितना आया 24 फोर प्लस फोर 28 एट नाइन प्लस टेन नाइनटीन प्लस नाइन ट्वेंटी एट प्लस सेवन नाइनटीन प्लस थ्री ट्वेंटी प्लस यहाँ पर भी 28 आएगा 19 प्लस 21 28. चाहे ऐसे भी कर लेंगे तब भी 28 आएगा तो स्टूडेंट्स बहुत इजी ट्रिक है दिखाइए एक तरीके से एक्टिविटी है ये सब जगह रोज में भी सेम आएंगे नंबर्स ऐड करके और कॉलम्स में भी में भी ऐसे भी ऐसे चेक करेंगे सपोज करिए ऐसे चेक कर रहा हूं मैं ये दो ले लिए और ये दो ले लिए नाइन प्लस फाइव फोर्टीन फोर्टीन और फोर्टीन ट्वेंटी एट तो स्टूडेंट्स ये मैजिक है और इसके पीछे स्टेप्स इस मैंने बता दिए सबसे पहले आपको फोर रोज और फोर कॉलम्स बनाने फिर ये नंबर लिखने है फाइव फोर वन एट थ्री सिक्स और सेवन टू इसी सीक्वेंस में और इसी पोजिशन में फिर यहाँ पे नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ये लिखना है और फिर जो नंबर आपके फ्रेंड ने बोला है उसमें से कितना माइनस करोगे ट्वेंटी माइनस करोगे और ट्वेंटी माइनस करके जो आएगा सबसे पहले उसे यहाँ पे लिखना है फिर इस वाले बॉक्स में एक ऐड करना है उसी नंबर में फिर एक ऐड करना है जो यहाँ पर लिखा है और फिर जो ये बच रहा है, है उसमें से जो एक्चुअल नंबर आपने माइनस करा उसमें से एक माइनस कर दो तो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है बहुत अच्छा मैजिक है दिखाइए आप मन करता है बताइए वरना मत बताइए तो स्टूडेंट्स इस, इस टेक्निक को फॉलो करिए बहुत अच्छी एक्टिविटी भी बन सकती है इसके ऊपर और आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए मेरी वीडियोस को लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना ज़्यादा हो सके और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलाता रहूँगा बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए आज के लिए इतना ही थैंक्स टेक केयर बाय